नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामू, मेरे चैनल का नाम है रामू मास्टर हिंदी। अब मैं बनाने जा रहा हूँ घर की असली हैदराबादी बिरयानी, घर में घर की। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट रखिए। चलिए चलते हैं वीडियो पे। यह है 1 किलो चिकन, अच्छा साफ कर दिया, धो के रख दिया है साफ करके। ये बनाने के लिए चाहिए 1/2 किलो बासमती चावल, 1 स्पून हल्दी, 2 स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 4 स्पून नमक और खसखस धनिया का पाउडर चाहिए 2 स्पून, 3 प्याज छिलके रखना है भूनने के लिए, अदरक लहसुन पेस्ट चाहिए 3 स्पून और गरम मसाला चाहिए 2 स्पून, घी चाहिए 200 ग्राम और गरम मसाला चाहिए, में लवंग, इलायची, दालचीनी, जापत्री और बिरयानी के पत्ता। प्याज को घी में भून के रखा हूँ ब्राउन कलर में, हरा मिर्ची बीच में काट के रखा हूँ, धनिया और पुदीना बारीक काट के रखा हूँ भी है उसमें, सब डाल रहा हूँ चिकन में, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर, नमक 3 स्पून, गरम मसाला है 2 स्पून, ये धनिया और खसखस पाउडर है, अदरक लहसुन पेस्ट 3 स्पून, और ये हरा मिर्ची बीच में से काटे सो, तो प्याज भून दे सो, थोड़ा सा रखे, बाकी सब डाल दे रहा, ये धनिया डाल रहा है और पुदीना भी डाल रहा है, थोड़ा बहुत रख रहा हूँ ऊपर चावल के ऊपर डालने के लिए, थोड़ा बचा कर रख रहा हूँ। नींबू का रस भी डालने का है, को मिलाना है, दो मिनट तक ऐसे अच्छा से मिलाना है, ऐसे ही मिलाते रहना। उसके बाद दही डालने का, पूरा 400 ग्राम दही डाल रहा हूँ, थोड़ा बचा कर रखा हूँ लेकिन फिर भी वो भी डालने का है, 400 ग्राम दही, इसको मिला के बाजू रखना है 1/2 घंटा, क्योंकि ये मसाला पूरा चिकन को अच्छा पकड़ेगा। जो भी बचा है दही वो भी डाल के मिला दिया। उसके बाद प्याज बूंदे से घी रहता है, वो घी 1/2 घी इसमें डाल के मिलाएंगे, जिस इस घी में प्याज भूंदा था 1/2 घी इसी में डाल के, बाकी 1/2 घी रखेंगे बाजू, अच्छा मिला के बाजू 1/2 घंटा रख देंगे। उसके बाद चावल भी 2 टाइम धो के पानी में भिगा के 1/2 घंटा रखना है इसके साथ साथ, उसके बाद वो पानी में चावल डाल के हंडी में साजिरा डाल रहा हूँ 1 स्पून, छोटा स्पून 1 टीस्पून, 2 स्पून नमक डाल रहा हूँ, नमक तो जरूर डालना है, अच्छा टेस्ट रहेगा, भूलना नहीं है वो तो। उसके बाद गरम मसाला पूरा डाल रहे इसमें, लौंग, इलायची और बिरयानी का सब कुछ गरम मसाला उसमें डाल रहे, 2 स्पून ऑयल, नहीं तो घी 2 स्पून डालने का, क्योंकि चावल अलग अलग अच्छा सा रहे पके, ये बिरयानी पत्ता है,
इसको लेके जाके स्टोव पे गर्म करना है, उबालना है। 80% पकने के बाद चावल का अंदर पानी निकालना है। उससे पहले 4 स्पून गया 80% 4 स्पून पानी मसाले में डालने का है, निकाल के चावल के अंदर पानी निकाल के, क्योंकि नीचे में आग ना पकड़े, काला नहीं बनता है, अच्छा सा रहता है, स्वाद भी अच्छा रहता है। पानी निकाला सो चावल 80% पक गया है, अंदर पानी पूरा निकाल देना है। पूरा उसमें डाल दे रहा हूँ अभी मसाले में, चावल डाल दिया। डालने के बाद जो घी बचा है वो ऊपर मैं डाल दे रहा हूँ चावल के ऊपर। उसके ऊपर प्याज बूंदे से बचा था थोड़ा, वो भी डाल दे रहा हूँ, और धनिया पत्ता और पुदीना सब डाल दे रहा हूँ। उसके बाद 3 चम्मच पानी में थोड़ा सा फूड कलर मिला के, ये रहा इस तरह 3-4 जगह ऐसा डालने का, क्योंकि चावल देखने में कहीं कहीं पीला पीला दिखता है, बहुत देखने में बहुत अच्छा रहता है। ये था घर की बिरयानी, और स्टोव पे रख के बर्तन दाब के 5 मिनट हाई फ्लेम में, 10 मिनट मीडियम फ्लेम में, 15 मिनट लो फ्लेम में पका के निकाल दीजिए। बन गया बिरयानी, ये रहा असली घी की बिरयानी है, घर की बिरयानी है। रेस्टोरेंट बिरयानी कुछ काम का नहीं है इसके सामने। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट रखिए, खाने के बाद कमेंट रखिए, बना के खाने के बाद कमेंट रखिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, नमस्कार।